समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघिब कुरैशी ने किया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन। जब तक निकाली जिलाध्यक्ष जिया चौधरी पर फड़ास, कहा निकाय चुनाव के बाद देंगे जिया चौधरी को कमर तोड़ जवाब। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी करेंगे शिकायत। मैं राघिब कुरैशी, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी यूजन सभा। आज नामांकन किया, आपने कौन से वार्ड में किया? मैंने आज निर्दलीय वार्ड नंबर 27 से आवेदन किया है और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया है। निर्दलीय क्यों किया राघिब भाई आपने? क्योंकि आप तो समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। देखिए, पूरे जिले में हमारे नीचे से लेके शीर्ष नेतृत्व तक सब मेरे समर्थन में थे और यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष और स्थानीय नेताओं ने संयुक्त रूप से और जो चुनाव समिति थी सभी ने संयुक्त रूप से हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, हमारे पुराने घनिष्ठ मित्र हैं जिया चौधरी साहब, सब ने मेरे लिए उनसे सिफारिश की है कि भाई पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और पूर्व यूथ के अध्यक्ष हैं, इनका वार्ड का सिंबल होना चाहिए। एक नौजवान है, उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा, साफ सुथरी छवि है, अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहकर सिंबल मेरा सीज कर दिया कि इन आदमी से मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है और मैं इस वार्ड में सिंबल सीज करूँगा, इस्तीफा दे सकता हूँ, सिंबल नहीं दे सकता हूँ। किस तरह की आप उनको व्यक्तिगत पीड़ा है आपसे जिया चौधरी? समझ में ये नहीं, समर्पित कार्यकर्ता को सिंबल नहीं देना चाह रहे जबकि बड़े बड़े जनप्रतिनिधि। मैंने ये अनुमान लगाया है, मेरे कुछ साथी हैं जैसे शौकत अंसारी है, साजिद हसन है, डॉक्टर इसरार है और भी हमारे कई समाजवादी पार्टी के पुराने 20-25 साल पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के, जो खासकर मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। मुझे कहीं ऐसा महसूस हुआ है कि शायद वो मुस्लिम लीडरशिप को समाजवादी पार्टी में मुजफ्फरनगर में दफनाने का कार्य कर रहे हैं और मैं अब अंत में आके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जनपद मुजफ्फरनगर के जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं वो समाजवादी पार्टी को दर बदर और हर मिनट हर सेकंड नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। किस तरह का आईना दिखाया जाएगा? आईना इस तरह का दिखाया जाएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिसे जो सिंबल दिया है, जो टिकट दिया है, वो तो हमारे सर माथे पर है, हम तो पार्टी के निष्पक्ष नेता हैं। लेकिन हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये अपील भी करेंगे और हम मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष का पुरजोर विरोध करेंगे कि उन्होंने जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है उसकी नाराजगी का इजहार हम करेंगे जरूर। लगातार समाजवादी पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी जिया चौधरी की वजह से इस्तीफा दे चुके हैं अनदेखी को लेकर। देखिए, जिया चौधरी से आप वार्ता करें, उनका जो अहंकार है, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो भाषा शैली है, उनका जो एटीट्यूड है, वो हर आदमी को दुखी करता है। उनकी बातचीत से हर आदमी को ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत अहंकारी आदमी है। अहंकारी तो रावण भी था, लेकिन अहंकारी व्यक्ति का समय ज़्यादा दिन नहीं रहता है। निकाय चुनाव के बाद में इस अहंकारी व्यक्ति की भी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हम पुराने कार्यकर्ता करेंगे।